हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनबो। और आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छी फर्टिलाइज़र के बारे में बताऊंगी, जो आप अपने सभी प्लांट में दे सकते हैं। किसी भी तरह का प्लांट हो, इंडोर हो, आउटडोर हो, और इवन सीडलिंग हो, इनमें भी आप ये फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं। और बहुत ही आसान है फर्टिलाइज़र को यूज़ करना। और ये एक केमिकल फर्टिलाइज़र है, तो इसको यूज़ करने में थोड़ी सी सावधानी रखनी होती है। तो इसके बारे में पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखें फ्रेंड्स। और इसे आप अपने सभी प्लांट में 15 टू 20 डेज में एक बार यूज़ कर सकते हैं। और ये फर्टिलाइज़र है बैलेंस NPK। N मतलब नाइट्रोजन, P मतलब फॉस्फोरस, और K मतलब पोटाशियम। तो ये तीनों ही हमारे प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। नाइट्रोजन से हमारे प्लांट में वेजिटेटिव ग्रोथ अच्छी होती है और प्लांट की इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होती है। और ये देखिए, एक जैसे देखने में कुछ सॉल्ट सा दिखाई देता है, और ये दूसरे कंपनी में और भी कलर के मिल जाते होंगे, पिंक कलर में भी आता है। तो मैंने ये इफ़को से मंगवाया है। ये है बैलेंस NPK 19-19-19। और इससे हमारे प्लांट को नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम अच्छी मात्रा में मिलता है। और फॉस्फोरस से हमारे प्लांट के जो रूट सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, और पोटेशियम हमारे प्लांट में इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है और कोई भी बीमारी को आने नहीं देता। और प्लांट में जो फूल फल आते हैं, इसके लिए पोटाशियम बहुत ही ज़रूरी होता है। लेकिन इसमें, इस फर्टिलाइज़र में 19-19-19 मात्रा में दिया हुआ है, बैलेंस है, तो हम इसे इंडोर प्लांट में भी यूज़ कर सकते हैं। और आप अपने मनी प्लांट में भी यूज़ कर सकते हैं। तो मनी प्लांट में 15 से 20 डेज के गैप में एक बार NPK यूज़ कर सकते हैं। और इसे यूज़ करने के लिए मात्रा और टाइमिंग का भी ध्यान रखना पड़ता है। इस फर्टिलाइज़र को यूज़ करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। अगर सूरज निकलने के पहले यूज़ करें तो अच्छा है, और शाम को यानी इवनिंग में यूज़ करें 4 या 5 बजे तो बहुत अच्छा है। लेकिन एकदम दोपहर में यूज़ ना करें, पत्तियाँ जल सकती है, प्लांट मुरझा सकता है। और इसकी मात्रा का ध्यान रखना पड़ता है। 1 लीटर में सिर्फ 2 ग्राम यूज़ करना है, और 2 ग्राम से ज़्यादा कभी भी यूज़ ना करें। 2 ग्राम से कम यूज़ कर सकते हैं। तो मैं अपने टीस्पून से हाफ टी स्पून 1 लीटर वाटर में यूज़ करना है, और सभी प्लांट में यूज़ कर सकते हैं। और हम जो सीड्स लगाते हैं, सीड्स की जब अंकुरण हो जाती है, थोड़ी थोड़ी ग्रोथ होने लगती है, 3-4 पत्तियां निकल जाते हैं, तब हम अपने सीडलिंग्स में यूज़ कर सकते हैं। इससे सीडलिंग्स भी अच्छे ग्रोथ होती है। और मैं अपने गुड़हल में भी देती हूँ, ये देखिए, और सभी प्लांट में देती हूँ। और इस फर्टिलाइज़र को फोलियर स्प्रे के रूप में यूज़ करना बहुत ही अच्छा होता है, और प्लांट इसे बहुत ही अच्छे से एब्जॉर्ब करता है पत्तियों के द्वारा, और हमें बहुत ही अच्छा बढ़िया रिजल्ट मिलता है। और मैं अपने गार्डनर फ्रेंड से ये बोलना चाहूँगी कि इस फर्टिलाइज़र को अपने प्लांट में ज़रूर यूज़ करें। और इंडोर गार्डन के लिए ये बेस्ट फर्टिलाइज़र है, और सकुलेंट प्लांट में भी ये फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे चैनल में फ्रेंड्स ऐसे ही बढ़िया जानकारी मिलती रहेगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।